हेलो स्टूडेंट्स, पीएससी पार्ट टू पेपर टू का आज हम यूनिट टू स्टार्ट करेंगे। अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। अल्कोहल्स और फिनोल्स के बारे में वैसे तो आपने 11th 12th और फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। अल्कोहल्स वे यौगिक हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन के साथ एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। अल्कोहल का सामान्य सूत्र ROH है। यहाँ R अल्काइल ग्रुप, अल्कोहल को जल का अल्काइल डेरिवेटिव या हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव भी माना गया है। जैसे नीचे फॉर्मूला बताया वाटर का और हाइड्रोकार्बन का, तो वाटर का H हटाकर OH और हाइड्रोकार्बन में भी H हटाकर OH लगाते हैं, तो ये अल्कोहल है। क्लासिफिकेशन और अल्कोहल। अल्कोहल्स मेनली दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं इनको, एक हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर और दूसरा हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर। पहला हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर। समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के प्रकार के आधार पर अल्कोहल को तीन भागों में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल वे अल्कोहल हैं जिसमें OH समूह प्राइमरी कार्बन पर लगा हो, फॉर एग्जाम्पल मीथेनॉल, इथेनॉल। द्वितीयक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल वे अल्कोहलिक ग्रुप हैं जिसमें अल्कोहल सेकेंडरी कार्बन पर लगा हुआ है। यहाँ पर आप नीचे फॉर्मूला में देख रहे हैं सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन जो दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ी है सेकेंडरी कार्बन कहलाती है। इस पर OH ग्रुप लगा हुआ है, ये टू प्रोपेनॉल इसका एग्जाम्पल है। टर्शरी अल्कोहल वो अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप तृतीय कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पर कार्बन जिस पे तीन अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तृतीय कार्बन है और इस पे हमारा OH ग्रुप चढ़ा हुआ है, इसलिए ये टर्शरी अल्कोहल है। ये टू मिथाइल टू प्रोपेनॉल इसका एग्जाम्पल है। दूसरी तरह का जो हमारा क्लासिफिकेशन है हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर, मोनोहाइड्रिक, ड्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। कहने का मतलब मोनोहाइड्रिक से क्या मतलब है आपका, इसमें एक OH समूह उपस्थित है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। डायहाइड्रिक जिसमें दो OH समूह उपस्थित है, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है OH CH2 CH2 OH, इथिलीन ग्लाइकोल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें तीन OH समूह लगे हुए थे, ग्लिसरॉल इसका एग्जाम्पल है। और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी होते हैं जिसमें चार या चार से अधिक समूह OH ग्रुप लगे हुए होते हैं, मैनिटॉल या सार्बिटॉल इसका एग्जाम्पल है। अब हम एक एक को देखते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप लगा है, इसका कॉमन फार्मूला हमारा CnH2n+1OH होगा। नॉमनक्लेचर इसका ट्राइबल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसको मिथाइल अल्कोहल या अल्कोहल कह सकते हैं, या एक और सिस्टम कार्बिनॉल में हम इसको CH3OH को कार्बिनॉल, CH3CH2OH को मिथाइल कार्बिनॉल। यहाँ दो मिथाइल लगकर लगा हुआ है तो कार्बिनॉल, तो हम इसको डाइमिथाइल कार्बिनॉल कहेंगे। लेकिन IUPAC सिस्टम जो है वो नॉमनक्लेचर का सबसे बेस्ट सिस्टम है और इसमें हम व्यवस्थित रूप से अल्कोहल्स का नामकरण कर सकते हैं। तो अल्कोहल के एल्केन के नाम के ई को हटाकर ऑल लगाना IUPAC सिस्टम में हम फॉलो करते हैं। जैसे CH3OH, यहाँ पर ये मीथेन का अल्कोहल है तो मीथेन की ई को हटाकर मिथेनॉल, इथेन के ई को हटाकर इथेनॉल, प्रोपेन की ई को हटाकर प्रोपेनॉल। तो इस तरह से हम IUPAC से इसका नामकरण रखते हैं। जैसे लास्ट एग्जांपल है CH3C, इस पे दो CH2 CH3 ग्रुप, CH3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये दो तो हो जाएंगे आपके मिथाइल ग्रुप। और किस पोजीशन पे कार्बन की हम OH की तरफ से काउंट करेंगे, तो सेकंड कार्बन की पोजीशन पे, तो 2,2-dimethyl, 1 पोजीशन पे OH लगा हुआ है तो 1-propanol। तो ये आपके प्राइमरी अल्कोहल का नामकरण का प्रकार है। अब हम प्राइमरी अल्कोहल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में फ्रॉम अल्काइल हैलाइड RX को जलीय NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो ROH+NaX बनता है, इससे प्राइमरी अल्कोहल बनता है। जलीय क्षार या KOH या Ag2O या जलीय NaCO3 के साथ गर्म किया जाता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और अल्कोनॉल का निर्माण होता है। यहाँ पर आप नेक्स्ट एक और रिएक्शन सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल तीनों बनाए हमने। जैसा हम अल्काइल हैलाइड लेंगे वैसा हमको अल्कोहल प्राप्त होगा। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लिया
तो सेकेंडरी अल्कोहल मिला, टर्शरी अल्कोहल हैलाइड लिया तो टर्शरी अल्कोहल मिला। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्कीन से। एल्कीन का हम हाइड्रेशन कराते हैं तो हम अल्कोहल प्राप्त करते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HHSO4, तो ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड हटके CH3 CH2 OSO3H, और इसका हम हाइड्रेशन कराते हैं H2O के साथ किया तो इथेनॉल और H2SO4 हमको वापस मुक्त हो जाता है। इस तो एल्कीन का कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हाइड्रेशन कराने पर एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करने से हमको एल्कोहल मिलता है, और ये जल योजन मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होता है। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हाइड्रोबोरेनाइजेशन। हाइड्रोबोरेनाइजेशन में हम B2H6 के साथ रिएक्शन कराते हैं डाइबोरेन के साथ, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन बोरेनेशन से ट्राई प्रोपिल बोरेन बनता है, और H2OOH से 1-प्रोपेनॉल। यहाँ पर आप देखेंगे कि हम ऑक्सीडेशन कराते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो OH यहाँ पर लग जाता है और CH3CH2CH2OH बनता है। तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है मर्क्यूरेशन, इसको डी मर्क्यूरेशन भी इसमें कहेंगे हम, कि पहले तो हम मरकरी एसीटेट के साथ एल्कीन का योग कराते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में, कराने से मरकरी डेरिवेटिव बनता है हमारा, और जिसका बाद में अपचयन होता है और डीमर्क्यूराइजेशन होता है, मतलब मरकरी निकल जाता है बाहर और अपचयन होता है और फिर वो यौगिक बनाता है हमारा अल्कोहल। तो अपचयन सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में होता है। तो इस तरह से हमारे अल्कोहल में ये प्राइमरी अल्कोहल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैं। तो हमने प्राइमरी अल्कोहल देखा, प्राइमरी अल्कोहल का नॉमनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमने फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्कीन, और एल्कीन में हमने तीन तरह से मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा है। तो ये हमारा हुआ टॉपिक अल्कोहल की शुरुआत। आप इस टॉपिक को साथ साथ में रिएक्शंस को लर्न करते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली इस चैप्टर को कंप्लीट करने में हेल्प मिलेगी।